देखा आपने कितना कुछ बदल गया है 20 साल में। दरअसल जब आतंक की लड़ाई से बड़ी अहम की लड़ाई हो जाती है तो दुनिया बदल देने का वादा ही खोखला हो जाता है। 2001 से पहले अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी और देश में आतंक से। हिंदुस्तान छलनी होता रहता था तो वो आंखें मूंद लेता था, पाकिस्तान की आर्थिक मदद तक करता रहता था, पर खुद पर पड़ी तो आंखें खुली, समझ में आया कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता। अफसोस 20 साल बाद वो फिर यह सबक भूल गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया 20 साल बाद फिर जीरो पर खड़ी है। अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल चले वॉर ऑन टेरर का बदला था काबुल एयरपोर्ट पर हुआ आतंकवादी हमला। हमला किया आईसिस खुरासान ने। इस हमले से पहले व्हाइट हाउस की तकरीरों में तालिबानी ताकत को स्वीकारा जा रहा है। जैसे ही इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई, अमेरिका खुरासान को खत्म करने की कस्में खाने लगा। The intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K. Took the lives of American service members. ठीक वैसे जैसे 20 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल कायदा के लिए खाई थी। The war in Afghanistan is now over. यानी अब बाइडेन चुन चुन कर बिन बिन कर आतंकियों को मारने का दम भरने लगे। लेकिन सभी आतंकियों को नहीं, केवल आईसिस खुरासान। We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. हुआ ये कि आतंकियों को चुनते चुनते अमेरिका ने रिहायशी इलाके में भी बमबारी कर दी। आतंकी तो पता नहीं कितने मरे, आम लोगों को क्षति जरूर पहुंची। वैसे अमेरिका जब अफगानिस्तान की देखरेख कर रहा था तभी वहां आईसिस खुरासान का जन्म हुआ था। दो हजार 2014 में पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शरणार्थियों के बीच फतेह नाम से खुले आम पर्चे बांटे जा रहे थे। पर्चे बांटने वाला ग्रुप खुद को इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस बता रहा था। 2020 में इसी खुरासान ने काबुल के अस्पताल पर हमला करके कई बच्चों सहित 24 लोगों की जान ले ली थी। इसी खुरासान ने मई 2021 में काबुल के एक स्कूल पर हमला करके 90 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें अधिकतर छात्राएं थी। ये वही खुरासान है जिसने जून 2021 में ब्रिटिश अमेरिकी हेलो ट्रस्ट पर हमला करके 10 की जान ली थी। अमेरिका के अफगानिस्तान में रहते हुए अलकायदा और तालिबान के आतंकियों ने खुरासान बनाया, मजबूत किया, हमले किए, तब अमेरिकी राष्ट्रपतियों के खून में उबाल नहीं आया, आया तब जब उन पर हमला हुआ और खुरासान गुड से बैड टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खात्मे के लिए 20 साल में बहुत पैसा बहाया है। निष्कर्ष क्या निकला? 2001 में जब अमेरिका अपनी सेना लेकर आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने के लिए अफगानिस्तान में घुसा, तब मुख्य रूप से इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद ग्रुप, अलकायदा और तालिबान था। कुछ पाकिस्तानी आतंकी संगठन भी सक्रिय थे, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन। ये रिपोर्ट यूएस बेस्ड थिंक टैंक की ही है। जब अमेरिका पूरे साजो सामान, आधुनिक हथियार लेकर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए घुसा, उसके बाद क्या हालात हो गए वो भी देखिए। गनी सरकार ने 2021 की एक रिपोर्ट में बताया था कि अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकी संगठन सक्रिय हैं और ज्यादातर का बेस पाकिस्तान में है, जिनमें सबसे मुख्य है हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, दाइश यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, तालिबान, तहरीके उज़्बेकिस्तान, मुजाहिदीन यूनाइटेड काउंसिल और कम से कम एक दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी संगठन।